हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। चलिए, यहाँ आज हम इडली बना रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं। यहाँ 2 कटोरी चावल हम ले रहे हैं। ये उसना चावल है, जो आप लोग भात बना के खाते हैं वही वाला चावल है। और ये उड़द 1 कटोरी, करीब 1 कटोरी से थोड़ा कम है। 2 कटोरी हमारा चावल है और उड़द 1 कटोरी है। अब इसको हम धो देंगे, इसको 3-4 पानी से अच्छे से मसल मसल करके, ताकि इसका जो डस्ट है, पाउडर है, जो भी है, वो निकल जाए। 3 से 4 पानी इसको हम धो देंगे। देखिए वाइट वाइट निकल रहा है, इसको हम फेंक देंगे धो के इस तरह से। अब 2 से 3 बार धोएंगे इसको, अच्छे से मसल मसल के धोना है। फिर अब धोएंगे इस तरह से। आप लोग इसको मसल मसल के बढ़िया से इसको धो लीजिए, ताकि दस्त निकल जाए। अब हम इसको ओवर नाइट रखेंगे फूलने के लिए। ओ, उसके बाद देखिए इस तरह से फूल गया हमारा। देखिए उड़द और चावल जो था फूल गया। वो जो पानी है उसमें का, उसको फेंकना नहीं है, इस तरह से मिक्सी जार में डालना है। एकदम जितना थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अरवा चावल का तो आप इडली बना के खाएंगे, ये उसना चावल है, इसका भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना है इडली इसका भी। कि यही वाला पानी हम डालेंगे, अलग से पानी नहीं ये करेंगे। जो पानी इसमें है ना, उसी से हम इसको पेस्ट बनाएंगे। एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, देखिए इस तरह का पेस्ट बना लेना है। जितना है वही पानी डाल के इसको ये कर, एक्स्ट्रा इसमें पानी नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह से बैटर बना लेना है। अब हम इसको निकाल देंगे एक बर्तन में। इस तरह से पेस्ट बनाइएगा, जो बचा हुआ उसको भी हम पीस लेंगे डाल डाल के। बहुत ही आसान है इडली बनाना। एक बार मेरे तरीके से इडली बना के देखिएगा उसना चावल का कि कैसा बनता है। देखिए इस तरह से वही वाला पानी डाल के पेस्ट बनाना है। अब इसको देखिए पेस्ट मेरा फिर बन गया है। इसको निकाल लेना है जार से, इस तरह का ही पेस्ट होना चाहिए। अब इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें हरा मिर्च हम डाल रहे हैं। मिक्स करके यहाँ 3-4 हरा मिर्च डाल देंगे यहाँ पे हम, और इस तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे कोई मेथी दाना कुछ भी हम नहीं डाल रहे हैं, ना इनो उनो, ना दही, कहीं कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। सिंपल तरीके से आपको इडली बनाना हम सिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से इसमें मिर्च हम डाल रहे हैं, हरी मिर्च डाल के मिक्स कर देना है। इस तरह मिक्स करके हम इसको 5-6 घंटा के लिए छोड़ देंगे। एकदम 5-6 घंटा छोड़ने के बाद देखिए अब कैसा हमारा हो गया है बैटर। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया हुआ है, देखिए कितना अच्छा। देखिए इसका इडली बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए ये हमारा एकदम फूल के एकदम तैयार हो गया, ऊपर तक आ गया। अब हम मिर्ची को इसमें से निकाल लेंगे। मिर्ची को निकाल लीजिए, जब भी इसमें मिर्ची डालें उसको निकाल के अलग कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा से फूल गया है देखिए। और ये हमारा साँचा है, इडली साँचा, उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिए हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सरसों का तेल लगा लिए हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि चिपके ना। और उसी में बैटर थोड़ा थोड़ा डाले, ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि ये फूलेगा तो फिर नीचे गिरेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए इसी तरह से। इसमें 12 बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, इसमें छोटा है। इसी तरह से सब में थोड़ा थोड़ा करके उनको डाल देना है।
इस इडली को आप सांभर के साथ खाइए, चटनी के साथ इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से डालिए, सब में थोड़ा थोड़ा डाल दे रहा है। इस तरह से डालिए सब में। ओके, अब हमारा सब ये स्टैंड में हम इसको बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसमें हम गैस जला के पानी अब गर्म करेंगे। यहाँ पे हम पानी 2 गिलास करीब डाले हैं, यहाँ पर 2 गिलास पानी नीचे में डाल दिए हैं। अब कुकर बंद करके सीटी नहीं लगाना है, और ये हमारा रबड़ है गैस का उसको भी नहीं लगाना है। सिर्फ ऐसे 10 से 15 मिनट में हमारा इडली बन जाएगा। देखिए कितना खुला खुला स्पंजी बना है। चाकू हम इसमें डालेंगे, चाकू में यदि नहीं बेटर लगता है तो सोचिए कि हमारा इडली बन गया है, चिपकना नहीं चाहिए चाकू में। देखिए कितना बढ़िया बना है। अब इसको निकाल लीजिए, देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, बढ़िया सा फूल भी गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। कि एक बार हम इसको चेक करके देखें कितना स्पंजी बना है, सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। खाइए सांभर के साथ खाइए, या चटनी के साथ खाइए, आपको जैसा अच्छा लगता है खाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा।